नमस्ते बच्चों, आरएसवी ग्रुप ऑफ स्कूल के यूट्यूब चैनल पर हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। बच्चों, पिछले वीडियो में हमने किसके बारे में पढ़ा था? मजदूरी के बारे में। वो क्या कर रही थी? उदार चला रही थी। उसके बाद हमने पढ़ा था विश्राम गृह के बारे में। विश्राम गृह मतलब आराम का घर। उसके बाद हमने पढ़ा था सुनार के बारे में। सुनार क्या कर रहा था? वो दो अंगूठियां बना रहा था। उसके बाद हमने करा था बस के बारे में। बस कहाँ जा रही थी? स्टेशन जा रही थी। कितनी बसें थी? वो दो बसें थी। और अब जो है हम पढ़ेंगे, ये आपका चित्र क्या है? ये चित्र है आपका रुमाल। कि हम रुमाल को क्या कहते हैं, कितने हैं, पुराने हैं या नए हैं। तो अब हम पढ़ेंगे आपका रुमाल के बारे में। पहले उच्चारण करेंगे ध्यान से सुनकर, उसके बाद ये आपके हैं शब्द। जब आप इन शब्द को अर्थ समझोगे तब ये आप क्या कर सकते हो, इस लाइन का हिंदी अनुवाद आसानी से समझ सकते हो। तो इसके लिए सबसे पहले आपको शब्द लर्न करने पड़ेंगे, उसके बाद इसका हिंदी अनुवाद बहुत आसानी से हो जाता है। तो पहले हम उच्चारण करेंगे, उसके बाद हम इसका हिंदी अनुवाद। एतानी कानी, एतानी कानी, एतानी कर वस्त्राणी, एतानी कर वस्त्राणी सन्ति, किम एतानी पुराणानी, किम एतानी पुराणानी, न एतानी तु नु नानी, न एतानी तु नु नानी। दोबारा से उच्चारण करते हैं, एतानी कानी, एतानी कानी, एतानी कर वस्त्राणी सन्ति, किम एतानी पुराणानी, किम एतानी पुराणानी, न एतानी तु नु नानी, न एतानी तु नु नानी। तो अब हम शब्द पढ़ेंगे, उसके आधार पर फिर हम अनुवाद करेंगे। एतानी ये, कानी क्या, कर वस्त्राणी रुमाल। कर मतलब हाथ, वस्त्राणी मतलब कपड़ा। हाथ में जो कपड़ा रखते हैं ना छोटा सा, उसको हम क्या कहते हैं? रुमाल होता है वो। संति है, ये बहुवचन है क्योंकि इसमें क्या है, चार रुमाल है। तो ये संति, ये रूप चलते हैं आपका अस्थि इसका है संति की तरह से, तो बहुवचन है तो है। किम क्या, पुराणानी पुराने, पुराने को संस्कृत में क्या कहते हैं? पुराणानी। तू तो नूत नानी नए, जैसे नूतन मतलब नए होता है तो ऐसे ही नूत नानी नए। तो अब इसी के आधार पर हम इनके अनुवाद हिंदी अनुवाद समझेंगे। एतानी ये, कानी क्या, ये क्या है, किसके बारे में बात हो रही है? इनके बारे में। चित्र, ये चित्र किसका है? रुमाल का। कि ये क्या है, एतानी ये, कानी क्या, ये क्या है, एतानी कर वस्त्राणी सन्ति, ये रुमाल है, ये रुमाल है, किम एतानी पुराणानी, क्या ये पुराने हैं, पुराणानी पुराने था ना, तो किम क्या, एतानी ये पुराणानी पुराने, क्या ये पुराने हैं, ना नहीं, एतानी ये तू तो नूतनानी नए, नहीं ये तो नए है, क्या है, नहीं ये तो नए है। तो वापस मैं आपको हिंदी अनुवाद समझा देती हूँ उसका। एतानी कानी, ये क्या है, एतानी कर वस्त्राणी सन्ति, ये रुमाल है। अब ध्यान रखें शब्दों के अर्थ पर, अर्थों के आधार पर ही आपका हिंदी अनुवाद बनेगा। ये रुमाल है, किम एतानी पुराणानी, क्या ये पुराने हैं, न एतानी तू नूतनानी, नहीं ये तो नए हैं,
नहीं ये तो नए हैं। बच्चों अभी हमने किसके बारे में पढ़ा था, रुमाल के बारे में। रुमाल कैसे थे, पुराने थे या नए थे? तो कैसे थे वो, नए थे। तो उसके बारे में हमने संस्कृत में पढ़ा। तो अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में, ये क्या है, केले, क्या क्या लटक रहे हैं, केले। तो अब हम पढ़ेंगे केले के बारे में कि केले कैसे है, मीठे है और पोषक है। तो इनको हम संस्कृत में हम क्या कहते हैं उसके बारे में हम पहले उच्चारण करना सीखेंगे। उसके बाद ये आपके शब्द अर्थ है, ये शब्द है और ये अर्थ है। तो इन्हीं जो ये जो आपका तान या कानी, इनको हिंदी में क्या कहते हैं, उनके आधार पर हम इसका हिंदी अनुवाद सीखेंगे। तो पहले उच्चारण करेंगे हम तानी कानी, तानी कानी, तानी कदली फलानी संती, तानी कदली फलानी संती। केले के जो फल होते हैं उनको संस्कृत में क्या कहते हैं, कदली फलानी, केले के फल। किम तानी मधुराणी, किम तानी मधुराणी, आम तानी मधुराणी पोषकाणी च। आम यहाँ पर ये खाने वाला आम नहीं है, यहाँ पर आम के नीचे अलग लग गया, इसका क्या अर्थ होता है, अर्थ होता है आम। ना मतलब नहीं होता है, आम मतलब होता है आम। तानी मधुराणी पोषकाणी च। दोबारा इसका उच्चारण करते हैं, तानी कानी, तानी कानी, तानी कदली फलानी संती। बहुवचन है, केल पेड़ पर केला एक थोड़ी लगता है, पूरे के पूरे गुच्छे के रूप में लगता है, तो बहुवचन में आ गया। तो कदली फलानी संती, किम तानी मधुराणी, किम तानी मधुराणी, आम तानी मधुराणी पोषकाणी च। अब हम पढ़ेंगे इनके अर्थ, ये जो शब्द है तानी कानी कदली फलानी, इनको हिंदी अनुवाद क्या करते हैं हिंदी में इनको, उसके आधार पर इनका हिंदी अनुवाद पढ़ेंगे। तानी वे, तानी वे, कानी क्या, कानी क्या, कदली फलानी, कदली मतलब केले, फल मतलब फल, केले के फल, मधु रानी मीठे या अच्छे, मधुर रानी मीठे या अच्छे, आम हाँ खाने वाला आम नहीं, मैं के नीचे हलंत आ गया, इसका होता है आम। जैसे ने मतलब नहीं होता है, आम मतलब हाँ। पोषकाणी पोषक, पौष्टिक होते हैं, हमें तंदुरुस्ती देते हैं, पोषकाणी पोषक। च औ, च औ, अब इन शब्दों के आधार पर हम ये हिंदी अनुवाद करना सीखेंगे। तानी वे, कानी क्या, वे क्या है, तानी कदली फलानी संती, वे केले है या वे केले के फल है, किम तानी मधुराणी क्या वे मीठे हैं, मधुराणी मीठे, क्या वे मीठे हैं, आम तानी हाँ वे मधुराणी पोषकाणी च, मीठे और पोषक है, हाँ वे मीठे और पोषक है। हम वापस इसका करेंगे, हिंदी अनुवाद पढ़ेंगे समझेंगे। तानी कानी वे क्या है, तानी कदली फलानी संती, वे केले के फल है, किम तानी मधुराणी क्या वे मीठे है, आम हाँ तानी मधुराणी पोषकाणी च, हाँ वे मीठे और पोषक है, हाँ वे मीठे और पोषक है। तो वापस हम एक बार शब्द देख लेते हैं, तानी वे, कानी क्या, कदली फलानी केले
फल मधुराणी मीठे आम हाँ पोषकाणी पोषक छे और